यूपी पॉलिटेक्निक मैथ क्लास में आज का चैप्टर है स्पीड एंड टाइम, चाल और दूरी। तो आज के वीडियो में चाल और दूरी का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा पार्ट वन में। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, तो आपसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई, माना रेलगाड़ी की लंबाई L मीटर है, तब कितना 800 मीटर और उसकी लंबाई को हम जोड़ देंगे कितना सेकंड, 100 सेकंड, और ये वाला कितना 400 मीटर लंबे दो पुल और कितने सेकंड पार करती है 60 सेकंड में। तो 800 प्लस L बटे 100 इक्वल टू, और 400 प्लस L अपॉन 60। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो 800 प्लस L इक्वल टू 60 बराबर 100 ब्रैकेट में 400 प्लस L, इसका गुणा इसमें 648,000, फिर प्लस, क्योंकि देखिए यहां पर एक जीरो और ये दो जीरो, कितना हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, प्लस 60 L इक्वल टू, देखिए 4 जीरो हो जाएगा इसमें, यानी 40,000 प्लस 100 L। अब इसको हल करते हैं, इसको हम इधर ले, इसको इधर लेकर आते हैं और इसको इधर, यानी 48,000 माइनस करेंगे 40,000 बराबर 100 L माइनस 60 L। तो 48 में से हम 40 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 8,000 बराबर 100 L में से 60 L घटाएंगे कितना आ जाएगा 40 L। तो यहां पर देखिए 8,000 L बराबर 8,000 बटे 40, तो एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 4 दुना 8 कितना आया 200, L बराबर 200 मीटर, यही इसका आंसर हो गया है। अगला प्रश्न है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो माना रेलगाड़ी को 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तय करने में लगा समय टी मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी को 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय कितना टी सेकेंड, और रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल 90, रेलगाड़ी की चाल बराबर 90 किमी प्रति घंटा। तो किमी प्रति घंटा को बताना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में बताना है, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये सब किसमें आया सेकेंड में ही, तो 5/18 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, इतना आ गया। अब आगे आपको बताना है कुल समय, यानी अभिष्ट
लगा समय टी बराबर तय की गई दूरी बटे चाल। तय की गई दूरी कितना, पहले तो कितना था 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके बाद कितना 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म, तो 120 प्लस 230 बटे चाल कितना है 25, तो कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 350 बटे 25, तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले वाले ऑप्शन पे नहीं टिक किए थे, इस पे भी टिक कर दीजिए, कितना आया 200 ना, इसका है डी वाला। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगला प्रश्न है, 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, ये बताना है आपको। तो समय बराबर इसमें कह रहा है, ये देखिए आपको दे दिया चाल दे दिया, और ये क्या दिया है उसकी दूरी दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, यानी उसका समय पूछा जा रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 100 मीटर और चाल 50 किमी प्रति घंटा, तो किमी प्रति घंटा को देखिए ये सेकंड में दिया है, सबका आंसर कितने आया है सेकंड में आया, तो किमी प्रति घंटा को हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने से गुणा करेंगे 5/18 बराबर 100/, देखिए अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको काट देते हैं, 5 से 2 से 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, कितना आया 25 5 125 9, 9 का गुणा ऊपर 900/125। चलिए देखते हैं, 100/9/125 डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100, 25 9 25 5 125, तो 4 9 36/5, तो 36/ कितना आया 5 आया, भाग देंगे तो आ जाएगा 7.2 सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7.2 सेकेंड में पार करेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 13 किमी अपनी नाव चलाता है तथा धारा के साथ 28 किमी अपनी नाव चलाता है, प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल है, तो धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो माना नाव की शांत जल में धारा जल में चाल कितना है x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल y किमी, कहने का मतलब है जो पानी का धारा यानी शांत जल का जो धारा है उसको हम मान लेते हैं x और जो धारा की चाल है उसको मान लेते हैं y। माना नाव की शांत जल में चाल कितना x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा, तब धारा की दिशा में नाव की चाल, तब धारा की दिशा में नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर
28/5। 28 क्या है? धारा के साथ अपनी नाव चलाता है, प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया? 28 और समय 5, ये हो गया। अब अगले, अब धारा के विरुद्ध यानी उसका अपोजिट, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, नाव की चाल जब विरुद्ध चलेगा तो ये क्या होगा? घट जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना? 13, और समय कितना ले रहा है? 5, 13/5। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर इसको हल कर देते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 28/5 और x माइनस वाई बराबर 13/5। जोड़ने पर ये कट जाएगा, यहाँ लिखिए जोड़ने पर, तो यक्स यक्स 2x हो जाएगा बराबर। देखिए दोनों का हर बराबर है, अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा। 8 3 11 के एक हाशी लगा, 1 2 1 3 1 4/5। तो 5 × 10 = 41। तो x बराबर 41/10। तो x बराबर कितना है? 41/10। तो हमको बताना है y धारा की चाल वो कितने, चलिए y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कितना? 41/10 प्लस y बराबर 28/5। तो y बराबर कितना? 28/5 माइनस करेंगे 41/10। इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा? 10, 5 × 10 28 में 2 का गुणा कर दे, 8 × 16 86 लगा 1, फिर 2 × 4 = 5 56 माइनस 41, घटा देते हैं। अब इसको 6 में से 1 गए कितना? 5, और 5 में से 1 गए 4 बटे कितना? 10। तो भाग देंगे, y बराबर है तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 किमी प्रति घंटा, जिसमें धारा की चाल पूछा गया। तो धारा की चाल कितना आया? चेक कर लीजिए, 1.5 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।